Just one second. I guess we're live now. Vikyanam ho gaya, okay. Just one second, hold on. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज, दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे विज्ञान और पर्यावरण, मतलब साइंस और इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो साइंस में इसमें बायो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में इन्वायरमेंट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको लिए जाएंगे। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो जैसा कि आप जानते हैं, दो क्लास हमारी होती है, एक होती है सुबह 7 बजे और एक होती है शाम को 7 बजे। सुबह 7 बजे की जो क्लास होती है वहाँ पर यूनिट का कवरेज चल रहा है, और शाम को 7 बजे जो क्लास होती है वहाँ पर हम कवरेज कर रहे हैं किसका, FLT का। ये दो क्लास हमारी होती है सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। इन दोनों क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 7 बजे यूनिट वाइज चलता है, आज है यूनिट 7, कल होगा यूनिट 8, और शाम को 7 बजे होता है फुल लेंथ टेस्ट। तो इन दोनों क्लासेस में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राम सोनी MPPSC नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। ओके, देयर इज अ लिटिल बिट प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे बैच कोर्सेज भी लॉन्च हुए हैं, 1 ईयर बैच कोर्स MPPSC का आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम के बाद। 8826033084 नाम का नंबर है, इसमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, लेट्स गेट द फर्स्ट क्वेश्चन। सो ऑल ऑफ यू मोस्ट वेलकम एंड गुड मॉर्निंग, पूजा जी, विशाल जी, गुलाब जी, गुड मॉर्निंग। DC बनना है, बन के रहेंगे, वाह बहुत अच्छे, वंडरफुल। नीरज जी, स्वाति जी, दीपा जी, गुड मॉर्निंग। दिनेश जी, गुड मॉर्निंग। सो ऑल ऑफ यू मोस्ट वेलकम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, हो यू। सो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को, ज़्यादा लेट नहीं करते, ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुका है वैसे। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या रोग होता है। देखिए, विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी देखा जाए तो जब आप सूर्य की किरणें लेते हैं तो विटामिन डी का सिंथेसिस आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से दोनों ही रोग होते हैं, रिकेट्स भी होता है और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। दोनों ही आपकी हड्डियों की बीमारी है, मतलब दोनों ही हड्डियों की जो डेंसिटी है उसको कमज़ोर करती है। तो याद रखिए, दोनों ही बीमारियां होती हैं विटामिन डी की डिफिशियंस से, रिकेट्स भी, ऑस्टियोपोरोसिस भी। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दैट, ह्यूमन बॉडी की बात करें विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है। वेल देखिए, विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए को बोलते हैं हम रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल, है ना। तो विटामिन ए की कहाँ स्टोर होता है यदि हम देखें तो ये स्टोर होता है आपके लीवर में। तो विटामिन ए गेट्स स्टोर्ड इन द लीवर। थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन पूछा आते हैं एग्जाम में, PSC में, थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मोर विटामिन ए कंटेंट। इनमें से यदि हम प्रोडक्ट की बात करें किसमें विटामिन ए कंटेंट ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है कैबेज, कैरेट, कलीफ्लावर, स्पिनक। तो याद रखिए किसमें होता है, ये ऑब्वियस बात है, स्पिनक में ज़्यादा होगा, और कैबेज, कैरेट, कलीफ्लावर, दैट्स ऑल्सो द गुड वन, बट विटामिन ए सबसे अधिक जो है यहाँ पे देखा जाए तो स्पिनक में होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई, इनमें से कौन से विटामिन ई का इंपॉर्टेंट सोर्स है। विटामिन ई, देखिए विटामिन ई देखा जाए तो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है, और इसमें पाम ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, वीट जर्म ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है। तो विटामिन ई के सबसे बड़ी सोर्स होता है आपके वीट जर्म ऑयल में। तो याद रखिए, वीट जर्म ऑयल में सबसे अधिक विटामिन होता है। ऐसे क्वेश्चन एक दो पूछ ले आते हैं, थोड़ी सी आप लोगों को याद रखना है, सच काइंड ऑफ क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड एट द पास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मड इन बॉडी, इनमें से कौन सी चीज़ का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में नहीं होता। देखिए यहाँ पे लिखा है विटामिन ए है, प्रोटीन है, एंजाइम है, हार्मोन है। देखिए हमारी बॉडी में प्रोटीन्स का भी सिंथेसिस होती है, एंजाइम का तो होता ही है, हार्मोन का होता है, लेकिन याद रहे हमारी बॉडी में विटामिन ए का फॉर्मेशन नहीं होता। विटामिन ए आपको बाहर से लेना पड़ता है, और विटामिन ए को बोलते हैं यहाँ पर रेटिनॉल। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, दैट्स क्वाइट क्वेश्चन। विटामिन ए बाहर से इंटेक लेना पड़ता है, कुछ चीज़ों का सिंथेसिस हमारी बॉडी में आता है लेकिन कुछ चीज़ों का सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होता, ये है विटामिन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके यहाँ पे विटामिन ए के बारे में याद रखना है, विटामिन ए जो है ये कीड़ा में आता है, KEDA। ये चार विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सोलुबल होते हैं। क्या होते हैं? फैट सोलुबल होते हैं, कीड़ा, KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। याद रहे विटामिन बी और विटामिन सी की बात करें, ये दोनों विटामिन जो हैं वाटर सोलुबल होते हैं, मतलब पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन बाकियों की बात करें ये फैट सोलुबल होते हैं, मतलब वसा में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील नहीं होते। तो ये भी हमें याद रखना है। विच द फॉलोइंग विटामिन कंटेंट कोबाल्ट, ओके तो इसके चलते इसको साइनोकोबाल्मिन, कोबाल्मिन बोलते हैं। देखा जाए तो ये कौन है, विटामिन B12 की बात करें इसे बोलते हैं, इसमें कोबाल्ट होता है। तो इसको आप याद रखिए, विटामिन बी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं। विटामिन B1 की बात करें इसे बोलते हैं थायामीन। तो पहले विटामिन का नाम तो एटलीस्ट याद रखिएगा, विटामिन B1 का नाम, इसको बोलते हैं थायामीन। और ये सारे के सारे विटामिन बी जो हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं, तो ये हमें याद रखना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन कीपिंग ड्रीम इन मेमोरी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो एक ऐसा विटामिन है जिसको आप अभी लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो रिकॉल कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, और ये है विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स की बात करें तो ये आपकी रिकॉल कैपेसिटी को बढ़ाता है, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखेंगे। विटामिन बी सिक्स जो आप मल्टी विटामिन लेते हैं तो वहाँ पर विटामिन बी सिक्स होता है, तो आप चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं, ना सिर्फ ड्रीम्स को बल्कि रियल लाइफ में भी जो चीज़ें आप पढ़ते हैं उसको रिकॉल करने की क्षमता बढ़ जाती है ना। लैक ऑफ विटामिन ई की बात करें, टोकोफेराल, टोकोफेराल जो है आपका विटामिन ई हो गया, इसको टोकोफेराल भी बोलते हैं, टोकोट्रायनॉल भी बोलते हैं, दोनों ही चीज़ें वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, याद रहे विटामिन ई की कमी से जो ह्यूमन में एक प्रॉब्लम होती है, दैट्स कॉल्ड इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की समस्या आती है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। बाकी स्कर्वी की बात करें, ये मोस्टली विटामिन सी के कारण होता है। रिकेट्स की बात करें, हड्डियों कमज़ोर होना है, तो ये भी बेसिकली देखा है तो विटामिन ए के कारण होता है, सॉरी विटामिन ए के नहीं बल्कि रिकेट्स भी विटामिन देखा है तो रिकेट्स विटामिन डी के कारण होता है, विटामिन डी कमी से होता है हड्डियों का कमज़ोर होना। नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें, दैट्स थ्रू विटामिन ए, रेटिनॉल जैसे बोलते हैं। लेकिन इनफर्टिलिटी की बात करें, ये होता है विटामिन ई कमी से, इसको आप लोग याद रखेंगे, दैट्स कॉल्ड टोकोफेराल, इसको कई जगह टोकोट्रायनॉल ही बोलते हैं, दोनों ही टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं ना। सकील जी गुड मॉर्निंग, वेलकम आउट हियर, कैसे आप यू, चलिए बहुत अच्छे, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विटामिन के इज कॉल्ड एज ए, विटामिन के को किस नाम से पुकारते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे आते हैं, विटामिन के नाम क्या होते हैं, तो विटामिन के की बात करें, इसे बोलते हैं नैप्थाकिनोन, क्या बोलते हैं, नैप्थोकिनोन, नैप्थोकिनोन बोलते हैं। रेटिनॉल देखते हैं, विटामिन रेटिनॉल किसको बोलते हैं, विटामिन ए को बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं विटामिन बी1 को, ये सारी चीज़ आप लोग याद रखें, नैप्थोकिनोन बोलते हैं विटामिन के को, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ओके, विटामिन के से प्रॉब्लम क्या होती है, विटामिन के यदि कम हो जाए आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या होती है, मतलब खून का थक्का जमने में दिक्कत होती है, तो ये आप याद रखें विटामिन के बारे में, इसको बोलते हैं नैप्थोकिनोन। द हाइएस्ट प्रोटीन कंटेंट इज फाउंड इन, हमारी जो है कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन कंटेंट होता है, याद रहे इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप इसका ऑयल आप कंज्यूम कर सकते हैं या इसको आप खा सकते हैं सीधा का सीधा, यह है सोयाबीन। सोयाबीन हमारा मध्य प्रदेश सोया स्टेट भी है, हमारे मध्य सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक है पूरे देश में, और याद रहे सोयाबीन का उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में स्पेशली मालवांचल में मोस्टली होता है, एक कैश क्रॉप के रूप में काम करती है, तो सोयाबीन का उत्पादन मालवांचल में होता है, और याद रखिए यहाँ पर देखा है तो ब्लैक सोया जो काली मिट्टी है वहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन काफ़ी बढ़िया होता है। और सोयाबीन की बात करें, दलहन भी है, याद रहे दलहन भी है चूँकि यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रॉपर्टी होती है, और ये तिलहन भी है चूँकि आप जानते हैं नाइट्रोजन का तेल बन सॉरी सोयाबीन का तेल बनता है, तो यू नो अबाउट दैट, है ना। चलिए, रिसोर्स ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन और फैट दोनों का रिसोर्स कौन सा है इसमें। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए आपके सामने, कोकोनट है, ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, असल लाइफ में भी आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। याद रहे जो ग्राउंड नट है, आप जो मूंगफली खाते हो, मूंगफली बहुत हेल्दी होती है, जो लोग नहीं खाते हैं खाना शुरू कर दीजिएगा, मूंगफली में प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है, कितनी अच्छी बात है, आपको फैट ही मिल जाता है, हालांकि फैट इज़ नॉट कॉल्ड गुड, बट हाँ प्रोटीन जरूर इसमें बहुत अच्छा होता है। और सोयाबीन की बात करें, मोस्टली प्रोटीन कंटेंट ही होता है, लेकिन सोया ग्राउंड नट की बात करें, मूंगफली की बात करें, यहाँ पर फैट और प्रोटीन दोनों होते हैं। हेयर, यदि हम बात करें हमारे बालों की बात करें, इसमें से पूछा गया है इस कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, इसमें जो प्रोटीन होता है वो कौन सा प्रोटीन कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं। तो याद रखिए जो आपके हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उसमें जो प्रोटीन होता है, दैट्स कॉल्ड केराटिन। याद रहे ये केराटिन प्रोटीन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हेयर प्रोटीन होता है तो हम हेयर खाना शुरू कर दें, दिस इज नॉट गुड आइडिया। तो हेयर में देखा है तो यहाँ पर केराटिन नाम का प्रोटीन होता है, इसको आप लोग याद रखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन मसल के रिफैब्रिकेशन में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स ब्रेक ऑफ होती हैं, तो वहाँ पर उसको रिफैब्रिकेट करने में, उसको रीडेवलप करने में, रिकॉन्स्ट्रक्शन करने में प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और इसीलिए जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, उनको याद होगा प्रोटीन एक्स जैसे प्रोटीन कंटेंट, हाई रिच प्रोटीन कंटेंट जरूर कंज्यूम करते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एमिनो एसिड्स टायरोसिन प्रेजेंट इन प्रोटीन रिच फूड। तो एमिनो एसिड, ये जो टायरोसिन है, इसके बारे में कौन सा सही नहीं है। इट कैन हेल्प इंक्रीज एनर्जी लेवल्स, ओके, तो ये बिल्कुल सही है, एनर्जी लेवल्स को रेज करता है। इट कैन हेल्प विद इमोशनल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, तो ये भी यहाँ पे हेल्प करता है। इट कैन कॉम्बैट डिप्रेशन, डिप्रेशन को भी कॉम्बैट करता है एमिनो एसिड, याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फ्री रेडिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन याद रखिए मोस्टली जो है ये आपकी एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करने में एमिनो एसिड टायरोसिन रोल प्ले करता है, तो इसको आप लोग याद रखें एमिनो एसिड, दिस इज लाइक प्रोटीन, है ना। द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इन व्हीट इज, इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है आपके जो गेहूं में, यदि ये उसमें जो ब्रेड बनाने की जो क्वालिटी होती है, रोटी नहीं बल्कि ब्रेड,
जो ब्रेड आप खाते हैं चाय के साथ डाल के, है ना, दैट्स कॉल्ड ब्रेड, तो उसमें कौन सी चीज़ होनी चाहिए तो अच्छा रहता है? तो याद रखिए, जिस गेहूं में ग्लूटिन नाम की चीज़ ज़्यादा होती है वो आपके ब्रेड बनाने में ज़्यादा बेहतर रोल प्ले करती है, तो इसको आप याद रखें, दैट्स कॉल्ड ग्लूटिन, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डेली एनर्जी रिक्वायर्ड बाई हार्ड वर्कर मैन। यदि आप एक बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हैं तो आपको डेली कितनी कैलोरी कंज्यूम करना चाहिए डेली, बताइए जरा कमेंट करके, प्लीज डू कमेंट बिलो। ग्रेट, याद रखिए यदि आप हार्ड वर्किंग मैन हैं तो आपको 4000 किलो कैलोरी डेली कंज्यूम करना जरूरी है। कमाल है ना, काफ़ी हैरान है वैसे देखा जाए तो। हमारा जो पहले देखा जाए तो गरीबी रेखा का जो निर्धारण है, बिलो पॉवर्टी लाइन की यदि हम बात करें, तो बता सकते हैं आप बिलो पॉवर्टी लाइन में जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, और जो शहरी क्षेत्र है, अर्बन एरिया है, इसका कितने किलो कैलोरी कंजप्शन जो है डेली होना चाहिए था एक इंसान के लिए, क्या बता सकते हैं? नहीं, आप यू वॉन्ट कमेंट इस आउट। चलिए, हाउ मेनी कैलोरीज आर गेन्ड बाई ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। यदि आप एक गिलास पानी पीते हैं तो कितना कितनी आपको कैलोरी मिलती है? देखिए, आपके पानी में किसी भी तरह की कोई कैलोरी नहीं होती है। पानी जो है अलग चीज़ है, पानी में कैलोरी होती नहीं है। पानी में देखा है तो एक भी कैलोरी नहीं, दैट इज जीरो कैलोरी। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगला क्वेश्चन है, मेजर फूड फ्यूल ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। लंबी अवधि के अभ्यास के दौरान मुख्य खाद्य ईंधन क्या है? ईंधन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ईंधन। देखिए, याद रहे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। खाद्य ईंधन की यदि हम बात करें तो ये है आपका कार्बोहाइड्रेट, तो इसे बोलते हैं ईंधन ही बोलते हैं प्रॉपर तरीके से। यदि आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ये आपका ईंधन होता है, इसको आप लोग याद रखें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, तो ये है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, याद रहेगा। 24 एंड 2100, दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। 2400 कैलोरी एंड 2100 कैलोरी, ये आपका बिलो पॉवर्टी लाइन की लिमिट थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द एलिमेंट दैट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी, कौन सा एलिमेंट है जो आपके शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। याद रखिए, फास्फोरस रिच यदि आप कोई चीज़ खाते हैं तो वहाँ पर अम्लता और क्षारीयता में एक बैलेंस बना होता है। याद रहे, पीएच वैल्यू हम डिस्कस करते हैं, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 7 जब होता है पीएच वैल्यू तो आपका न्यूट्रल होता है। 7 से कम पीएच हो जाए इसका मतलब ये है कि आपके जो भी सब्सटेंस है उसमें अम्लीयता बढ़ रही है, मतलब एसिडिटी बढ़ रही है, मतलब ये एसिडिक हो जाता है, और 7 से ऊपर हो जाता है तो ये होता है बेसिक। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन। मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका काम क्या होता है? देखिए, यदि संवहन की बात करें, ऑक्सीजन के संवहन की बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, ये लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं ये आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप करती हैं। यदि कोई आपके शरीर में बीमारी एंटर करती है तो उसके अगेंस्ट में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, ये है आपकी सफ़ेद रक्त कणिकाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा सफ़ेद रक्त कणिकाएं आपकी बॉडी में आती है तो आपको ब्लड कैंसर हो सकता है। तो मतलब ये ज़्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है, ब्लड कैंसर जिसे बोलते हैं ल्यूकेमिया, दैट इज कॉल्ड ल्यूकेमिया, बहुत ही खतरनाक डिजीज होती है ल्यूकेमिया। तो यदि किसी की बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा हो जाती हैं तो ये भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। विस्कस नेचर ऑफ ह्यूमन ब्लड, हमारे जो ह्यूमन ब्लड है इसमें चिपचिपा ना कहें बल्कि विस्कस कहें, विस्कस का मतलब है जो गाढ़ापन है। ये गाढ़ापन लाने का कारण क्या होता है? वेल, देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आपकी ब्लड में जो प्रोटीन होता है ये आपके ब्लड को गाढ़ा करने में एक बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखते हैं, दिस इज ऑल्सो क्वाइट क्वेश्चन। अभी आप पूछा गया एक क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, व्हाइट ब्लड जो सेल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, इसका डायमीटर कितना होता है? बताइए जरा कमेंट करके, प्लीज डू कमेंट दिस आउट। आज हमारे इंदौर में बारिश हो रही है तो मौसम हो रखा है काफ़ी ठंडा, तो सुबह नींद खुलना भी बड़ा काम है वैसे। तो ये 0.007 mm, 0.007 mm है ये आपके वाइट ब्लड सेल्स की डायमीटर होता है। ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखिएगा। इन पैथोलॉजी, पैथोलॉजी की बात करें, आप लोग जानते हैं यहाँ पर ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं। एक्सेस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, यदि व्हाइट सेल्स ज़्यादा हो जाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं ज़्यादा हो जाएं तो क्या होती है, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इससे ब्लड कैंसर की समस्या होती है, दैट इज कॉल्ड ल्यूकेमिया, बहुत ही खतरनाक डिजीज होती है ल्यूकेमिया, इसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर फॉर्म्ड रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के किस अंग में जनरेट होती हैं? अब देखिए, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, बोन मैरो है, याद रखिएगा, इसका निर्माण होता है बोन मैरो में। बोन मैरो में देखा है तो आपकी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इसका फॉर्मेशन होता है। और याद रखिए, लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन,
मतलब लाल रक्त कणिकाएं जो है आपका केंचुआ जो होता है, केंचुए में लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वॉ जो हमारे केंचुए होते हैं इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती है ना। फॉर्मेशन ऑफ WBC एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, मतलब कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पर WBC मतलब श्वेत रक्त कणिकाओं का फॉर्मेशन होता है और जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं यहाँ पर उसका डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब विनाश होता है। यदि इसकी बात करें ये होता है स्प्लीन, कहाँ पर होता है ये होता है स्प्लीन। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे है ना। क्वेश्चन पूछा गया मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है। इसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। याद रखिए मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर चला वह है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब यहां पूछा गया आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट, बताइए जरा ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी क्या कहलाती है, बताइए जरा कमेंट करके। बहुत अच्छे, इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी धमनी, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विद विच ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रोम्बिन इज एसोसिएटेड, थ्रोम्बिन 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 किस शारीरिक प्रक्रिया जुड़ा हुआ है, याद रखिए थ्रोम्बिन जो है आपकी ब्लड क्लॉटिंग से जुड़ा हुआ है, मतलब खून को थक्का जमाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन से जुड़ा हुआ है, इसको आप लोग याद रखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ वाटर, हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है आप सभी जानते हैं, लेकिन प्लाज्मा में वाटर का कंटेंट कितना होता है ये आपको बताना है। देखिए प्लाज्मा में सब जो पानी है इसका प्रतिशत जो होता है वो लगभग 90% के आसपास होता है, मतलब मोस्टली जो है पानी ही होता है, इसको आप लोग याद रखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो पहले कहाँ से कहाँ तक होता है ये आपको कमेंट करके बताना है, इसमें यहाँ पे ये सिक्वेंस बताना है आपको, पहले कहाँ फिर कहाँ फिर कहाँ। देखिए सबसे पहले जो है ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, लंग्स में, लंग्स से फिर जाएगा ये ब्लड में, और ब्लड में बहुत सारे होते हैं ऊतक, क्या होते हैं टिश्यू होते हैं, तो फिर ब्लड से जाएगा टिश्यू में, मतलब ये क्या हो जाएगा 2, 1 and 3, 2, 1, 3, मतलब इसका सही आंसर होगा सी, तो इसको आप लोग याद रखेंगे ना। व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, मान लीजिए कहीं पर ऑक्सीजन की सांद्रता मतलब सांद्रता में कमी होती है तो श्वास की दर में क्या फर्क पड़ता है, बढ़ जाती है आप तेज सांस लेने लग जाते हैं, घट जाती है, मतलब सॉरी पहले घट जाती है बढ़ जाती है या कोई फर्क नहीं पड़ता, या पहले बढ़ती घटती है फिर बढ़ती है, बताइए जरा कमेंट करके, प्लीज डू कमेंट दिस आउट। जरा देखूं कौन कौन लाइव है इस समय, गुलाब जी, दीपा जी, शकील जी, स्वाति जी, विशाल जी, पीनल जी, संतोष जी, ओके विनीता जी, दिनेश जी, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, कीप गोइंग, विशाल जी, ओके ओके, सभी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ओके फाइन, टेक योर टाइम, ओके लाइक वाइक कर दीजिएगा जी, कभी कभी बिना लाइक के आप लोग चले जाते हैं, तो याद रखिए ये होता है इंक्रीज, क्या होता है यदि ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है, कंसंट्रेशन में कमी होती है, इसीलिए आप जब पहाड़ों में जाते हैं तो आमतौर पर आपकी जो ब्रीदिंग स्पीड है वो बढ़ जाती है ना, क्योंकि पहाड़ों में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कमी होती है। इवनली अभी आप लोगों ने देखा होगा COVID-19 के चलते जिन लोगों को ऑक्सीजन का लेवल डाउन हुआ था तो वो बहुत तेज सांस लेने के लग गए थे है ना, तो ये आपने देखा होगा, ये तो आप लोगों ने लाइव देखा होगा शायद आई बेस, तो ये आप लोग याद रखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, यदि किसी इंसान में कार्बन मोनोऑक्साइड की जो विषाक्तता हो जाती है, पॉइजनिंग हो जाती है, तो इससे क्या इफेक्ट होता है, याद रहे इससे जो इफेक्ट होता है ये आपकी, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपके जो ब्लड है हीमोग्लोबिन से उससे क्या हो रिएक्ट कर जाता है, तो यहाँ पे आपके ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है कम हो जाती है और इसी के चलते आपको सफोकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक खतरनाक पॉइजनस गैस है, तो जहाँ जहाँ घर में कंडों का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे आमतौर पर लोगों को सफोकेशन हो जाती है, तो यहाँ पर याद रखें कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रहे कार्बन मोनोऑक्साइड कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये एक प्रकार से पोल्यूटिंग गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करती है ना। क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, साइंटिस्ट की बात करें कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक आर्टिफिशियल ब्लड को तैयार किया है, और ये आर्टिफिशियल ब्लड एक प्रकार से प्लास्टिक ब्लड के रूप में काम करता है और इसको किसी भी ग्रुप का पेशेंट को दिया जा सकता है, बताइए जरा कौन सी कंट्री की साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। हाँ जी कोई बात नहीं, तो ये है ब्रिटेन, तो इसको आप लोग याद रखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे विशाल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें, जैविक ऑक्सीजन की मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टर्म से मतलब क्या होता है, ये कहां पे है। देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये एक्वाटिक सिस्टम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो जलीय स्थान होते हैं हमारे उसके लिए होते हैं, तो वहां पर पोल्यूशन का लेवल क्या है इसको चेक करने के लिए हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD नाम के टर्म का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे है ना। ह्यूमन बॉडी की बात करें, डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है ये कहां पर होती है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे अधिक
मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है कहां पे होती है, बताइए जरा कमेंट करके। देखिए सबसे अधिक डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। देखिए आपका ये पूरा ऐसे ऐसे होता है, देखने में छोटी होती है बिल्कुल, मतलब बोलने के लिए छोटी होती है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी होती है, काफ़ी लंबी होती है। तो यहाँ प्रोसेस करके ये सबसे ज़्यादा डाइजेशन इसी में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसको आप लोग क्या रखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। सलाइवा की बात करें, सलाइवा किस चीज़ को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, याद रहे सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्च को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। दिस इज द क्वाइट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज प्योरिफाइड इन ह्यूमन बॉडी। जस्ट वन सेकेंड, होल्ड ऑन, जस्ट वन सेकेंड, एक मिनट रुकना पड़ेगा आप लोगों को, नगर निगम की गाड़ी आ गई है। सॉरी फॉर डिले, थोड़ी ज़्यादा लेट हो गया। अच्छा इंदौर में पानी आ रहा है जी, पर काफ़ी बारिश हो रही है, कल पूरी रात से बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया वैसे। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। तो ह्यूमन बॉडी की बात करें, ये आपका जो प्योरिफिकेशन है, क्या बोलते हैं इसको, दैट्स कॉल्ड डायलिसिस, ये तो आप जानते हैं, दैट्स वेरी सिंपल वन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन लिखे हुए आपके सामने, तो ऑल द ब्लड इन द बॉडी इज एब्जॉर्ब थ्रू द किडनी। देखिए किडनी का काम ब्लड एब्जॉर्ब करने का काम नहीं है, पासेस थ्रू द किडनी इसका कोई मतलब नहीं, फिल्टर थ्रू द किडनी, याद रखिए मेन कीवर्ड है यहाँ पर, जितना ही ब्लड पास होता है उसको फिल्टर करने का काम जो है किडनी का है, याद रखिए किडनी जो है आपके ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। तो इसको आप लोग याद रखें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा वंडरफुल, अच्छा छतरपुर में बारिश हुई, ओके दस पॉइंट फुल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डायलिसिस जो है किससे संबंधित है, डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे किडनी संबंधित है, और किडनी का काम होता है डायलिसिस करने का काम, फिल्टर करने का काम होता है, इसको आप लोग जानते ही हैं।
यूरिया की बात करें, ये कहाँ पे सेपरेट होता है ब्लड से? देखिए क्वाइट क्वेश्चन, तो याद रखिए किडनी में ही देखा है तो यूरिया को सेपरेट कर दिया जाता है ब्लड से। तो बेसिकली इसीलिए कहते हैं कि किसी की किडनी डैमेज हो जाए तो फिर बहुत दिक्कत है, इस वीक प्रॉब्लम, तो दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम। यदि किसी किडनी दिक्कत है तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए उसका टाइम टाइम पे प्रॉपरली डायलिसिस ही होता है, और ये काफ़ी टेडियस टास्क है वैसे देखा जाए तो इसको आप लोग याद रखेंगे। किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर, किडनी का क्या काम है? देखिए किडनी का काम दिखाया तो यहाँ पर न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते हो, तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन जो है उसके हिसाब से आप एक्सक्रीशन में आप कर सकते हो, कि यहाँ पर जो खराब पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने का काम जो है किडनी का होता है, फिल्टर करने का काम होता है, छन्नी का काम करता है, तो इसको आप याद रखें, दैट्स कॉल्ड एक्सक्रीशन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूरिया क्या है? देखिए यूरिया काफ़ी डेंजरस होता है, यूरिया को फिल्टर करने का काम जो है किडनी कर सकती है, और याद रखिए इसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसलिए कह सकते हैं यूरिया जो है काफ़ी डेंजरस होता है, इसलिए इसको फिल्टर करने का काम जो किडनी करता है वो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको हमें याद रखना है। एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनी, किडनी से लगभग ब्लड फ्लो की बात करें तो पर मिनट में, एक मिनट में कितना ब्लड फ्लो हो जाता है, ये सीसी जो लिखा है यहाँ पर इसे बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग गाड़ियों के इंजन की बात करें तो वहाँ भी सीसी लिखा होता है, तो वो भी एक प्रकार से आपके इंजन की जो कैपेसिटी उसको दिखाता है, तो इसमें कितना सेंटीमीटर क्यूब जो है पर मिनट फ्लो होता है, तो आप सोचिए किडनी जो है कितना फ्लो करता है, 1200 सेंटीमीटर क्यूब फ्लो करता है। याद रहे किडनी जो है लगभग एक दिन में 1500 लीटर जो है ब्लड फ्लो करता है, इसमें लगभग 1.5 लीटर पर डे यूरिन को जनरेट करता है, ठीक है। 1500 लीटर ब्लड जो है किडनी जो है इसको एक प्रकार से प्यूरीफाई करता है, और 1.5 लीटर जो इतना यूरिन है जो है इसको जनरेट करता है, तो ये आप याद रखें, दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रखेंगे, है ना। क्वेश्चन आपके सामने डायलाइजर की बात करें, डायलाइजर इज यूज फॉर द वर्कआउट, डायलाइजर किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो मैंने डिस्कस किया आप लोगों से जो डायलिसिस की प्रॉब्लम होती है, जिनकी किडनी डैमेज होती है तो वहां पर डायलाइजर इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी किडनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको आप लोग याद रखें, ये टर्म इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किडनी फेल यदि हो जाए तो यहाँ पे किस चीज़ का अकोमोडेशन स्टार्ट हो जाएगा, किस चीज़ का संचय स्टार्ट हो जाएगा? देखिए यदि आपकी किडनी फेल हो जाती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है आपकी बॉडी में, ब्लड में उसका कंसंट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और यदि कंसंट्रेशन स्टार्ट हो जाए तो इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। यूरिया की बात करें, नाइट्रोजनस कंपाउंड है, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो याद रखिए किडनी जो है यदि फेल होती है तो ये एक बड़ी समस्या आपकी बॉडी में पैदा हो जाती है। इसलिए कहते हैं हमें अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए ज़्यादा तले भुने चीज़ें थोड़ी कम खाएं, और बाहर के जो ख़राब प्रोडक्ट हैं, जैसे कई बार हमने देखा है कि बाहर जो है समोसे हैं, आमतौर पर जो है वो तेल जो है वो ख़राब तेल होता है, कई बार का इस्तेमाल किया गया तेल होता है तो वो ख़राब होता है, जिससे आपकी बॉडी में डैमेज होता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी, कौन सा इसमें ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है? अब देखिए यहाँ पे देखा है तो रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल इन द ब्लड, देखिए वाटर लेवल इन द ब्लड कह सकते हो कि एनी हाउ इट वर्क्स। रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल, देखिए शुगर लेवल मेंटेन करने का काम यहाँ पर किडनी का नहीं होता, दिस इज द क्वाइट थिंग। तो याद रखिएगा ये जो है बेसिकली ये काम पैंक्रियाज का होता है मोस्टली देखा जाए तो, पैंक्रियाज जो है इंसुलिन जनरेट करता है, तो मोस्टली जो है ये पैंक्रियाज का काम कह सकते हो आप, कि जो ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम पैंक्रियाज का होता है, क्योंकि पैंक्रियाज जो है आपका क्या जनरेट करता है, इंसुलिन जनरेट करता है, और इंसुलिन आप जानते हैं इंसुलिन ही सारा रोल प्ले करता है आपके शुगर लेवल का, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, तो ये थोड़ा सा अलग है, बाकी फिल्टर आउट यूरिया सेक्रेशन ऑफ स्टेरॉल हार्मोन्स तो ये आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं ना। द मेजर केमिकल कंपाउंड की बात करें हमारे ह्यूमन किडनी में, ह्यूमन किडनी स्टोन में क्या होता है? ओके किडनी कुछ ज़्यादा हो गया तो चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ये कैल्शियम ऑक्सलेट, इसको आप याद रखें, जो आपके जो ह्यूमन किडनी स्टोन है, किडनी में जो स्टोन पाया जाता है उसमें देखा है तो कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है, इसको हमें याद रखना है। स्टोन्स प्रेजेंट इन द गाल बैडर, यदि गाल बैडर में कोई स्टोन प्रेजेंट है तो वो किस चीज़ के डाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है? याद रखिए गाल बैडर में यदि किसी तरह का स्टोन है तो आपका जो फैट है याद रखिएगा, ये देखा है तो ये फैट का जो ये प्रकार से डाइजेशन है उसको अफेक्ट कर सकता है। याद रखिए गाल बैडर इंपॉर्टेंट क्यों है, गाल बैडर देखा है तो ये आपका लीवर में बाइल को स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, लीवर में बाइल को स्टोर करता है, और यदि मान लीजिए सपोज करिए आपके गाल बैडर में स्टोन है तो ये डैमेज करेगा आपके फैट डाइजेशन प्रोसेस को, तो इसको आप याद रखेंगे, यदि बाइल आपका डैमेज हो रहा है तो डेफिनेटली इससे इफेक्ट मिलेगा कि फैट जो है आपको डाइज करने में काफ़ी दिक्कत होगी। और फैट सोल्युबल विटामिन की बात करें, ये है कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चार विटामिन जो हैं ये फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं, तो इन्हें भी हमें याद रखना है।
ह्यूमन बॉडी की बात करें, यहां पे कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ओके, तो यहां पे लिखा है द लीवर हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैट डाइजेशन। तो देखा है तो लीवर हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैट डाइजेशन, यू कैन से दिस वन, दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट विद दैट। लीवर प्रोड्यूसेस टू इंपॉर्टेंट फैट डाइजेशन एंजाइम, ऐसा नहीं है दो जनरेट नहीं करता, दैट्स रॉन्ग वन। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे सही है, लीवर हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैट डाइजेशन। एनीवे, एंजाइम की बात करें, एंजाइम क्या है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आए हैं एंजाइम क्या है। तो एंजाइम प्रोटीन में आप लोग कनेक्ट करते हो, लेकिन देखिए एक्चुअली यहां पर देखा है तो दैट्स एक्टिंग एज ए बायो कैटलिस्ट। यदि इसकी बात करें तो एंजाइम एक प्रकार से बायो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। तो ये कई बार ऑप्शन नहीं दिए रहते हैं, तो आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, इस एक्टिंग एज ए बायो कैटलिस्ट है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच एंजाइम कैन कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल। इथेनॉल ग्लूकोज से इथेनॉल कन्वर्ट करने में कौन सा रोल प्ले करता है, तो याद रखिए ये है जाइमेस। जाइमेस की बात करें, ये जो एंजाइम है ये ग्लूकोज से इथेनॉल में कन्वर्ट करने में रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड जाइमेस। क्या है, जाइमेस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सबस्टेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटलाइजिंग केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम्स आर। तो कौन सा इसमें केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने में उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है, याद रखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये है एंजाइम। एंजाइम ऐसे क्वेश्चन में आंख बंद करके आप लगा सकते हो, जहां भी कैटालिसिस की बात करें, उत्प्रेरक की बात करें, केमिकल रिएक्शन की बात करें, यहां पे आप एंजाइम को लगा सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर किस चीज के प्रोडक्शन में इसका रोल होता है, तो ऑब्वियस बात है देखा जाए तो यहां पर बेसिकली लिपास यूरिया, ओके दैट्स कॉल्ड यूरिया। यूरिया के प्रोडक्शन में आप लीवर का रोल प्ले कर सकते हैं, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड का पाचन किसकी उपस्थित में नहीं होता, वेल देखिए दैट्स क्वाइट क्वेश्चन। याद रखिए लिपिड का जो डाइजेशन है, याद रखिएगा डज नॉट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, यदि बाइल एसिड तो बाइल एसिड तो आप कनेक्ट कर सकते हो, लिपास हो सकता है, पेप्सिन, पेप्सिन यहां पर ऑप्शन से गलत है, तो पेप्सिन देखा है तो यहां पर नहीं होता, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। एनीवे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट फिर भी आप इसको याद कर सकते हैं, डिफिकल्ट तो ज्यादा नहीं है, बट फिर भी जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन सिस्टम की बात करें, इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, याद रखिए इसमें ट्रिप्सिन है, गैस्ट्रिन है, टाइलिन है, पेप्सिन है। तो यहां पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, हालांकि गैस्ट्रिन की बात करें ये भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में कई बार इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपका जो पीएससी है इसने गैस्ट्रिन को सही माना है, तो इसको आप लोग क्लिक कर सकते हैं, बट एनीवे दैट्स क्वाइट काइंड ऑफ लिटिल बिट डाउटफुल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाँ जी, विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। अब देखिए यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, ऑल द प्रोटीन्स इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। देखिए जहां पर ये वनली टर्म इस्तेमाल किया हो ये अपने आप गलत हो जाता है, क्योंकि देखिए प्रोटीन हो चाहे कुछ भी हो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों डाइजेस्ट कैसे हो सकता है, डाइजेशन तो कई जगह होता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन वनली जो टर्म लिखा होता है आमतौर पर गलत होता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखें, ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स फ्रॉम द पैंक्रियाज आर रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहां पर देखा तो ये स्टेटमेंट सही है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है ये पैंक्रियाज फ्रॉम पैंक्रियाज आर रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज होता है, तो ये यहां पे सेकंड स्टेटमेंट यहां पे सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट यहां पे गलत है कि यहां पे लिखा है केवल यहीं पर होता है, तो ऐसा नहीं है, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एन एंजाइम विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एक एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ये कौन सा है, ये है आपका ट्रिप्सिन। इसको जरूर याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है, कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ये है आपका ट्रिप्सिन। क्या है, इसका नाम है ट्रिप्सिन, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। हाँ जी, प्रोटीन स्टमक आल्सो, एक्जैक्टली बहुत अच्छे, वंडरफुल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच्ड। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है आप लोग जानते हैं बहुत बार, तो ये अपेंडिक्स कहां से कनेक्ट होता है, याद रखिए अपेंडिक्स कनेक्ट होता है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से, जो बड़ी वाली आंत होती है लार्ज इंटेस्टाइन यहां से कनेक्ट होता है, और यदि किसी का अपेंडिक्स थोड़ा सा बड़ा हो जाए, हालांकि अपेंडिक्स जो है कंप्लीटली नॉन फंक्शनल आइटम होता है हमारी बॉडी में, अपेंडिक्स जो है नॉन फंक्शनल आइटम होता है, ये अब इस्तेमाल नहीं होता हमारी बॉडी में, लेकिन फिर भी अपेंडिक्स का एक छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन मान लीजिए अपेंडिक्स बड़ा हो जाता है तो फिर इसकी सर्जरी करनी होती है, और याद रखिए कहाँ का होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। विद द फॉलोइंग फूड्स विल प्रोड्यूस द न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सा फूड है जो न्यूट्रिएंट जनरेट करता है नए उत्तक के फॉर्मेशन के लिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दिस इज द क्वाइट क्वेश्चन, और याद रखिए ये होता है प्रोटीन। प्रोटीन यदि आप खाते हैं तो यहां पर नए उत्तक के फॉर्मेशन बड़ा रोल प्ले करता है, और जो चीज होता है, क्या चीज, इसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत बढ़िया होता है, तो आप चीज जरूर खाएं, यू विल गेट द बेनिफिट, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑक्सीजन विच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। देखिए ऑक्सीजन जो है लिबरेट होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये कहां से आती है, देखिए दैट्स क्वाइट क्वेश्चन, याद रखिएगा ऑक्सीजन जो है कभी भी वाटर से फॉर्म नहीं होती है, सॉरी कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड से फॉर्म नहीं होती, जैसे आप CO2 बोलते हो, CO2 से ऑक्सीजन निकालना इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, लेकिन पानी से ऑक्सीजन निकालना बहुत ही आसान है, क्यों, चूंकि आपने देखा होगा
जो गलफड़े होते हैं किसके, जो मछलियां होती हैं, मछलियां मछलियों के जो गलफड़े होते हैं वहां पे आपने देखा होगा वो सांस ले लेती हैं किससे, पानी से। तो यहां पे ऑक्सीजन को जनरेट किया जाता है किससे, पानी से, बट बेसिकली CO2 से ऑक्सीजन नहीं बनता। तो यहां पे देखें CO2 से ऑक्सीजन बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन H2 से रिएक्ट करके ऑक्सीजन निकल आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइट आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। प्लांट सबसे अधिक लाइट कौन सी अब्जॉर्ब करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस का रोल होता है। और याद रखिए ये दो लाइट है, एक तो ब्लू है और एक है रेड है। ब्लू और रेड, नीली और लाल जो कलर्स होते हैं इनको सबसे अधिक एब्जॉर्ब करता है किसमें, प्लांट में। याद रखिए जो ग्रीन होती है, ग्रीन को सबसे कम एब्जॉर्ब करता है, कई लोग ग्रीन टिक मार देते हैं लेकिन याद रखिए ग्रीन को सबसे कम एब्जॉर्ब करता है, सबसे अधिक एब्जॉर्ब करता है ब्लू और रेड को, इसको आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज प्रोड्यूस्ड बाय, हमारे अर्थ में सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है, याद रखिए इसमें ऑप्शन लिखा है ग्रास, घास, अल्गे, ट्रीज, पेडिफिल्स। देखिए सबसे अधिक जो ऑक्सीजन जनरेट करता है ये अल्गे, क्या जनरेट करता है ये अल्गे, इसको आप लोग याद रखें अल्गे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कब होता है। देखिए आमतौर पर प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो यहां पर, अब ये तो यहां पर यदि कुछ लोग कहें डे में होता है, देखिए डे में होता है बिल्कुल सही बात है, लेकिन कभी कभी ये नाइट में भी दिखाया जाता है। क्यों, जो कि कई जो अल्गे होते हैं, अल्गे अल्गे की खासियत होती है कि अल्गे जो है ये जो मून लाइट होती है उसमें भी प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। ये काफी आप लोगों ने हैरानी की बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अल्गे जो है मून लाइट में प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। और इवनली जो आर्टिफिशियल लाइट है, जैसे मान लीजिए यहां पे लाइट जल रही है, तो ये आर्टिफिशियल लाइट से प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। तो याद रखिए डे और नाइट, डे और नाइट दोनों में होता है। आप डे एंड नाइट क्यों नहीं बोल रहे हैं, डे एंड नाइट इसलिए नहीं बोल रहे हैं बिकॉज डे एंड नाइट दोनों में होता है, इसका मतलब ये कोई भी पेड़ जो है दिन में भी और रात में भी कर सकता है। तो यहां पे डे एंड नाइट नहीं बोला है, डे और नाइट कुछ जो है डे में करते हैं कुछ, हालांकि देखा है तो सभी जो है नाइट में नहीं करते। यदि डे एंड नाइट बोल दोगे तो यहां पे दिक्कत क्या हो जाएगी, देखिए ये ऑप्शन ऐसे ही क्रिएट हुआ था पीएससी में, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं कई बार, लेकिन याद रखिए डे एंड नाइट क्यों बोलते हैं। यदि मान लो डे एंड नाइट बोल दोगे तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं जो पेड़ होता है वो दिन में भी करता है और रात में भी करता है, नहीं, डे और नाइट इसलिए बोला है जिसके अंतर्गत कुछ को डे में आपने कनेक्ट कर दिया, कुछ को डे और नाइट दोनों में कनेक्ट कर दिया है, तो इस तरह से आप लोग डे और नाइट मारेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपके सामने, फोटोसिंथेसिस की बात करें, प्रकाश संश्लेषण देखा जाए तो आकर्षण कहां होता है, याद रखिए प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, या देखिए ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया सेवरल लास्ट आज सेवरल टाइम्स, इसको आप लोग याद रखेंगे। विच लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में सबसे अधिक इफेक्टिव लाइट कौन सी होती है, याद रहे फोटोसिंथेसिस में सबसे अधिक इफेक्टिव लाइट होती है रेड, लाल रंग की जो किरण होती है ये सबसे अधिक इफेक्टिव होती है, इसको आप लोग याद रखें कहां पर, फोटोसिंथेसिस में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आर्टिफिशियल लाइट कैन, अब आर्टिफिशियल लाइट की बात करें, कृत्रिम प्रकाश की बात करें, क्या कर सकता है, यहां लिखा डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल, ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स नथिंग लाइक दैट। यहां पर लिखा सिंथेसाइज क्लोरोफिल, ब्रिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस, यस फोटोसिंथेसिस यहां पर हो सकता है, याद रखिएगा जो कृत्रिम प्रकाश होता है इसमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, इसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। जब तक जी गुड मॉर्निंग, वेलकम आउट हियर, कैसे हैं आप यू, ओके। एनीवे अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम एफिशिएंसी टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में सबसे अधिक एफिशिएंसी इसमें किसकी होती है, अब यहां पूछा ऑप्शन, देखिए टाइगर का तो कोई मतलब नहीं, टाइगर क्यों ऐसा करेगा, अर्थवर्म केंचुआ क्यों करेगा, है ना। तो यहां पे देखा जाए तो ये देखा तो ये है क्लोरेला, क्लोरेला की बात करें ये प्रकार का क्या है, अल्गे है, क्या है ये अल्गे है। तो क्लोरेला जो है याद रखिएगा, क्लोरेला जो है ये बेसिकली करता है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे कटा की बात करें, ये बेसिकली जो परजीवी होते हैं, दैट्स नॉट दैट थिंग, क्लोरेला की बात करें ये अल्गे है जो कि सब जगह कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। विच द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ रूट्स, इसमें से कौन सा काम जड़ का नहीं होता, वेल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद देखिए जड़ का जो काम है वो काम वाटर एब्जॉर्प्शन का है, न्यूट्रिएंट्स के लिए है, जो जो भी एब्जॉर्प्शन करता है प्लांट के लिए, लेकिन फोटोसिंथेसिस का जो काम होता है जड़ का नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस का काम होता है पत्तियों का, आपके जो पत्तियां होती हैं, इवनली जो तने होते हैं तनों में भी फोटोसिंथेसिस हो जाता है, लेकिन जड़ का कोई मतलब उससे नहीं है। तो इसको आप लोग याद रखिए, जड़ का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम की बात करें प्लांट में इसका काम क्या होता है, देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था जाइलम, जब डिस्कस किया था जाइलम, जाइलम मतलब जल के संवहन में इसका रोल होता है, और फ्लोएम की बात करें ये खाने के संवहन में रोल प्ले करते हैं। तो याद रखिए इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स, खाने के ट्रांसपोर्टेशन में फ्लोएम रोल प्ले करते हैं, जाइलम की बात करें जल के संवहन रोल प्ले करते हैं, जहां से जाइलम और जहां से जल। ठीक है, गॉट द पॉइंट।
हाँ जी मैं अच्छा हूँ जी, एम सो फाइन थैंक यू। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फंक, फंक ने किस चीज को इन्वेंट किया, चलिए बताइए कमेंट करके, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो जरा कौन कौन इस समय लाइव हैं, विनीता जी, दीपा जी, जपतन जी, सोना जी, संतोष जी, दिनेश जी, विशाल जी, ओके, शकील जी, स्वाति जी, विनीता जी, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, दिनेश जी, सभी लोग कमेंट करते चलें, बहुत अच्छे। तो ये इसका सही आंसर क्या है, फंक ने क्या चीज इन्वेंट किया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्या है इसका आंसर, ये आंसर आपका विटामिन, फंक ने क्या इन्वेंट किया है, ये है विटामिन, ठीक है, बहुत अच्छे, वंडरफुल। अगला क्वेश्चन है, वाटर विटामिन, विटामिन है क्या, विटामिन की बात करें, ये एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको आप याद रखें। विटामिन क्या है, एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चार विटामिन जो है ये होते हैं आपके फैट सोलुबल, मतलब ये वसा में घुलनशील होते हैं, और विटामिन बी और सी की बात करें ये वाटर सोलुबल होते हैं, इसको आप याद रखेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ के लिए में से किसकी जरूरत नहीं होती, याद रखिए प्लांट की ग्रोथ के लिए यहाँ पर सोडियम की जरूरत नहीं होती, हालांकि सोडियम की बात करें, सोडियम एक ऐसा पदार्थ है जो अपने आप आग पकड़ लेता है, आप लोगों ने कभी देखा होगा, सोडियम की बात करें ये अपने आप आग पकड़ लेता है, और यदि कभी आप ट्राई करिएगा, आपने लेबोरेटरी में ट्राई किया होगा तो आग पकड़ ही लेता है कभी, हालांकि काफ़ी मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, यदि आपने कभी सोडियम छुआ होगा। लेकिन इसके अलावा सोडियम की बात करें, इसको हम इसके लिए किसमें रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, किसमें रखते हैं, इसको मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं जिससे इसमें आग ना पकड़े, या तो ग्रीस कवर करके रखते हैं, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। एनीवे अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन विच कैटेगरी ऑफ फूड इज द मोस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर यूनिट, देखिए यहाँ पे देखा जाए तो इसमें से देखा जाए तो कौन सी कैटेगरी फूड में मोस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज सबसे ज़्यादा होती है, देखिए इसमें देखा जाए तो ये जो फैट होता है इसमें सबसे अधिक कैलोरी होती है, बट ऑब्वियस बात है वसा जो होता है सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। एग्जैक्टली एप्पल की बात करें, एप्पल हैव स्पेशल वैल्यू फॉर हार्ट पेशेंट्स, ओके दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहते हैं ना डॉक्टर बोलते हैं वन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे, तो एप्पल जो है आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है हार्ट के पेशेंट्स के लिए, बिकॉज एप्पल में देखा जाए तो एप्पल में दो चीज़ें होती है, एक होती है देखा जाए तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो एप्पल में पोटेशियम होता है, क्या होता है पोटेशियम होता है, देखिए पोटेशियम की अधिकता से क्या होता है यहाँ पर इसमें एक प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर्टी आती है जिसके अंतर्गत जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं इनके लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब आपके हार्ट के प्रॉपर जो मतलब मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हार्ट को प्रॉपर रन करने में बड़ा रोल प्ले करता है, तो ये है आपका पोटेशियम, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अमंग द फॉलोइंग वेजिटेबल्स द मैक्सिमम विटामिन सी इज फाउंड इन, सबसे अधिक विटामिन सी कहाँ होता है, और कितने क्वेश्चन है, बस कुछ क्वेश्चन और है, बस थोड़ी देर, होल्ड ऑन फॉर वाइल, होल्ड ऑन फॉर वाइल। अब यहाँ पे विटामिन सी की बात करें, इसे क्या बोलते हैं, विटामिन सी देखा जाए तो विटामिन सी का नाम क्या है, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, क्या नाम है इसका, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब देखा जाए तो यहाँ पे कौन से वेजिटेबल में विटामिन सी सबसे अधिक होता है, देखिए सबसे अधिक विटामिन सी होता है चिल्ली में, कहाँ पे, चिल्ली में, जो आपकी मिर्च होती है, मिर्च में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, याद रखिए मिर्च का विटामिन सी सबसे अधिक होता है, हालांकि यदि आप एक संतरे के बराबर यदि विटामिन खा लेते हैं, संतरे के बराबर यदि मिर्च खा लें तो आपको ज़्यादा विटामिन सी मिलेगा, कई गुना विटामिन सी मिलेगा, लेकिन संतरे के बराबर विटामिन यदि मिर्च खा लेंगे तो फिर अदर कुछ मतलब इस विल क्रिएट प्रॉब्लम एक्चुअली, बट आप लोग याद रखेंगे ये आपका मिर्च में सबसे अधिक विटामिन सी होता है, और यदि आप हरी मिर्च खाते हैं तो उसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, लाल मिर्च भी होता है लेकिन वहाँ पर थोड़ी कम होता है ना, ये हम ताजी मिर्च की बात कर रहे हैं। विटामिन विच इज़ फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स की बात करें यहाँ पर देखा है तो ये सिट्रस फ्रूट्स में जो विटामिन सी होता है इसकी बात करिए आपके हेल्दी स्किन को बेहतर स्किन बनाने में रोल प्ले करता है, तो याद रखिएगा ये है आपका दैट इज कॉल्ड विटामिन सी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की बात करिए ये करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट को एब्जॉर्ब करने में रोल प्ले करता है, हालांकि क्वेश्चन आपने बहुत कम पढ़ा होगा, ये है आयरन, आयरन को एब्जॉर्ब करने में विटामिन सी का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डज नॉट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी, इनमें से कौन सा विटामिन जो है आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता, याद रहे विटामिन सी जो है आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यदि आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो ये बेसिकली पानी में घुलनशील होता है तो ये बाहर निकल जाता है, तो विटामिन सी की बात करें ये आपके बॉडी में ज़्यादा स्टोर नहीं होता है ना, इसको यदि आप ज़्यादा भी खा लो तो कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज डिजीज ऑफ स्लो ब्लड कोगुलेशन, यदि इस विटामिन की कमी है आपकी बॉडी में तो यहाँ पे आपको स्लो ब्लड कोगुलेशन मतलब रक्त को थक्का जमने में दिक्कत होगी, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसका नाम है विटामिन के। विटामिन के की बात करें यदि आपकी बॉडी विटामिन के ज़्यादा हो जाता है तो आपकी ब्लड में थक्का जमने में दिक्कत होती है, तो ये है विटामिन के, इसको आप लोग याद रखें काफ़ी महत्वपूर्ण है। विद द फॉलोइंग सिंथेसाइज बाई इंटरनेशनल बैक्टीरिया, इनमें से कौन सा जो विटामिन है ये इंटेस्टिनल बैक्टीरिया से सिंथेसाइज किया जा सकता है, बोल देखिए ये है विटामिन के। विटामिन के की बात करें जो ब्लड कोगुलेशन में रक्त को थक्का जमने में हेल्प करता है, याद रखिएगा
ये जो विटामिन के होता है ये इंटेस्टिनल बैक्टीरिया जनरेट होता है, सिंथेसाइज होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, रक्त का थक्का ना बनने की समस्या होती है, ये आपका विटामिन के, इसको आप लोग याद रखेंगे, दिस द वेरी ब्रीफ। क्या बता सकते हैं जनन शक्ति का कम होना मतलब इनफर्टिलिटी की समस्या जो है कौन से विटामिन कमी से होता है? प्लीज डू कमेंट बिलो, इनफर्टिलिटी की समस्या जो है कौन से विटामिन कमी से होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किया है, प्लीज डू कमेंट आउट। बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, विटामिन का आविष्कार किसने किया? डिस्कस कर चुके हैं, ये है फंक। देखिए फंक ने विटामिन का आविष्कार किया। बर्जिलियस की बात करें, बर्जिलियस ने प्रोटीन का आविष्कार किया। किसका? प्रोटीन का आविष्कार किया। रोनाल्ड रास तो आप लोग जानते हैं मलेरिया के लिए जानते हैं, लेकिन बर्जिलियस की बात करें ही इज नोन फॉर प्रोटीन, फंक इज नोन फॉर विटामिन, है ना। बहुत अच्छे, विटामिन ई, बहुत अच्छे, विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई जो है यदि आपकी बॉडी में कम है तो आपके अंदर जो है इनफर्टिलिटी की समस्या पैदा हो सकती है। इनमें से कौन सी बीमारी फफूस से नहीं होती? बल देखिए ये पता होना चाहिए कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी फफूस से होती है, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा यहाँ पर देखा है दमा फफूस से होता है, एथलीट फूड फफूस से होता है, गंजापन फफूस होता है, लेकिन पोलियो की बात करें ये वायरस से होता है। किससे होता है? ये होता है वायरस से, इसको आप लोग याद रखिए, पोलियो वायरस, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सी बीमारी अनुवांशिक रूप से होती है? अनुवांशिक का मतलब है हेरिडिटरी, मतलब यदि पेरेंट्स को है हमारे तो हमें भी हो जाएगी, तो हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें कौन सी? देखिए वर्णांधता की बात करें, वर्णांधता मतलब इसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। देखिए देखिए दो प्रकार की ब्लाइंडनेस होती है, नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से होता है, रेटिनॉल कमी से होता है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस जो है ये अनुवांशिक बीमारी होती है जिसमें आप कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हेमोफीलिया की बात करें, इसे बोलते हैं रॉयल ब्लड डिजीज, इसकी बात करें तो यहाँ पर बेसिकली रक्त को थक्का जमने में दिक्कत होती है, और याद रखिएगा ये फीमेल को नहीं होता, मेल को होता है, फीमेल एट एज ए कैरियर, तो ये भी आप लोग याद रखें, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पटाउ सिंड्रोम, ये तीन के तीनों जो है ये किसको होते हैं? अनुवांशिक रूप से होते हैं, तो ये सारे इसमें काउंट कर सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्लड ग्रुपिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुपिंग जो ब्लड ग्रुपिंग है इसको किसने डिस्कवर किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये डिस्कवर किया 1900 में किसने? लैंडस्टेनर ने, लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, RS फैक्टर डिराइव्ड नेम फ्रॉम, RS जो नेम है ये फैक्टर जो है किससे डिराइव किया गया? तो आपको याद होगा इसे बोलते हैं रेसस मंकी, कहां से लिया गया है? रेसस मंकी से, मतलब कहां से ड्राइव किया गया? इट इज ड्राइव फ्रॉम मंकी, याद रखिए रेसस मंकी, क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट, आप देखिए यहां पे देखा जाए तो यहां पे दैट्स क्वाइट क्वेश्चन, यहां पे एक ऑप्शन लिखा है यहां पे आरएस फैक्टर बाय अलेक्जेंडर एस वीनर, आरएस फैक्टर की खोज किया था अलेक्जेंडर एस वीनर ने 1937 में, इसको भी आप लोग हो सके तो याद रखिएगा, दैट्स ऑल्सो क्वाइट क्वेश्चन। यहां पूछा गया ए पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट, एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया और वहां पे उसका ब्लड ग्रुप चेक करने का टाइम नहीं है, तो उसको कौन सा ब्लड ग्रुप बिल्कुल बिना चेक के लगाया सकता है? तो याद रखिएगा यदि आपके पास ओ ब्लड ग्रुप है, अब देखिए यहां पे दो ऑप्शन लिखे हैं, दो जगह ओ लिखा है, तो यहां पे ओ की बात करें, ओ आर एस पॉजिटिव आर एस निगेटिव, तो ओ आर एस निगेटिव की बात करें ये होता है यूनिवर्सल डोनर, याद रखिएगा ओ में भी दो होते हैं आर एस पॉजिटिव आर एस निगेटिव, आर एस निगेटिव जो होता है इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो ओ आर एस निगेटिव एक प्रकार से यूनिवर्सल डोनर के रूप में काम करता है, मतलब ये ओ आर एस निगेटिव हर किसी को दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ ओ आर एस निगेटिव से ही कर सकता है। विद द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ब्लड प्रेशर, इनमें से ब्लड प्रेशर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर कितना होता है जरा कमेंट कर बताइए, जनरल एक ह्यूमन बॉडी की ब्लड प्रेशर कितना होता है? ये है स्फाइग्मोमैनोमीटर, तो ये तो आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर देखा होगा, हो सकता है आप लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा चेक नहीं हो, लेकिन पेरेंट्स का तो चेक होता ही रहता है बड़े निवे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया व्हेन ए पर्सन बिकम्स ओल्डर, यदि किसी इंसान की उम्र ज्यादा बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर आमतौर पर क्या होता है? ये बढ़ जाता है घट जाता है? देखिए आमतौर पर जब आपकी एज बढ़ती है तो यहां पर जो आपकी वेजल्स होती हैं यहां पर क्या होता है? कोगुलेशन होता है, मतलब यहाँ पे चीज़ें जो है फैट एक्युमुलेशन कुछ चीज़ें होती हैं, तो इसी कारण क्या होता है यहाँ पे फ्लो में दिक्कत आती है, तो यहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर आमतौर पर क्या है? बढ़ जाया करता है, इट इंक्रीजेस, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत चित ये होता है 120/80 आब्लिक 120 नहीं बोलते जी, दैट्स कॉल्ड 120/80 है ना, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर है ना। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ लोग हमारे फ्रेंड्स मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, दे नो बेटर देन दैट, है ना। चलिए एंटीजन की बात करें, एंटीजन सबस्टेंस में बेसिकली क्या है, मतलब देखिए इससे क्या फर्क पड़ता है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एंटीजन जो है आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, इसलिए एंटीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा एंटीजन आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ट्रिगर करता है। अगला है, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज ए, यदि फादर का ब्लड ग्रुप ए है मदर का ओ है, देन व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ सन। ओके, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं तरीका बताता हूं, जैसे मान लीजिए आपके सामने ए लिखा है और इधर ओ लिखा है, मान लीजिए कि एक का ब्लड ग्रुप ए है एक का ओ है, तो आप याद रखिए इसमें ए में लिखे ओ और ओ में लिखे ओ, मतलब जैसे मान लीजिए कि एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ए है, तो यहां पे आपको क्या करना है, ए बी में तो ए और बी दोनों है, तो यहां पे मैं उसको बता रहा हूं जस्ट वन सेकंड, तो ए ओ में ए को ओ से मल्टीप्लाई करो कितना आया ए, ओ का ओ से मल्टीप्लाई करो ओ,
ए का ओ से मल्टीप्लाई करो ए, ओ का ओ से मल्टीप्लाई करो ओ, तो यहां पे दो ही ब्लड ग्रुप हो सकते हैं या तो ए या ओ, तो यहां पे क्या हो सकता है, तो ब्लड ग्रुप सन का क्या हो सकता है ओ, तो ये ऑप्शन यहां पे क्लियर हो गया। ऐसे मान लीजिए सपोज करिए, समझिएगा बहुत अच्छा चीज बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप, हमारे फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, मदर का ब्लड ग्रुप जो है हमारी ए है। अब देखिए इसको समझिएगा, ए बी को आप कैसे ओपन करोगे, ए को ए बी ऐसे करो, और यहां पे मदर का ए है तो ए के साथ में ओ को ऐड कर दो, है ना। अब यहां पे मल्टीप्लाई करो ए का ए से, तो ए का ए से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। मैं एक जुगाड़ बता रहा हूं, वैसे ये जो हार्ड है 100% प्रूफ है, लेकिन ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेंस में भी जाके ऐसे लिख दो, नो आई एम नॉट सेइंग दैट वन, एक जुगाड़ है जिससे आपको याद रहेगा। और ए को जो है ए को ओ से करोगे तो क्या होगा, ए, बी का ए से होगा तो ए बी, और बी का ओ से होगा तो क्या होगा बी। मतलब यदि फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, मदर का ब्लड ग्रुप ए है, तो याद रखिएगा यहां पर ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, लेकिन कभी भी ओ नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए सपोज करिए कि यहां पर ऐसे ही कुछ ब्लड ग्रुप, मैं और फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं, मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप जो है क्या है, ए है, है ना, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है यहां पर बी है, है ना। अब देखिए समझिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो अब इसको कैसे करोगे आप, ए ओ कर दो, बी ओ कर दो, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता समझ जाएगा। तो ए को बी से करो तो ये बन जाएगा ए बी, अब यहां पे ए को ओ से करो तो ये बन जाएगा ए, ओ को बी से करोगे तो ये बन जाएगा बी, ओ को ओ से करोगे तो ये बन जाएगा ओ। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं आपको, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो यहां पर ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेसिकली फादर और मदर का ब्लड ग्रुप होने से बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, इस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट, किसी कंफ्यूजन तो नहीं है, आई एम श्योर कंफ्यूजन नहीं होगा, ये चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हीमोग्लोबिन की बात करें ह्यूमंस में, ये किससे कनेक्ट होने की संभावना होती है, किससे अभिक्रियाशीलता इसकी सर्वाधिक होती है, यदि आप इस यदि इसको ये आप गैस रिलीज करोगे यहाँ पे, तो ये रिएक्ट करके आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी कर देगा, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से ये अभिक्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए कहते हैं हीमोग्लोबिन, यदि कहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही हो तो इससे क्या होता है, आपको सफोकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ऑक्सीजन के संवहन में दिक्कत हो जाती है ना। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट, इनमें से आपके पानी में क्या कौन सा साल्ट हो, कौन सा लवण हो, तो आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम की समस्या हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रखेंगे, ये कौन सा है, ये है नाइट्रेट, क्या है, यदि आपके पानी में नाइट्रेट हो तो आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम की समस्या हो सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विटामिन डी कमी से कौन सा होता है, डिस्कस कर चुके हैं, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, ओके, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आपका रिकेट्स, रिकेट्स की बात करें विटामिन डी कमी से होता है, इसको आप लोग याद रखें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें विटामिन ए कमी से होता है ना। ग्वाइटर, घोंघे का किसी कमी से होता है, बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रू रिप्स, यदि एक ह्यूमन बॉडी की बात करें ट्रू रिप्स कितने होते, देखिए आपकी ह्यूमन बॉडी में देखें तो रिप्स जो है करीबन 24 होते हैं, मतलब 12 इधर 12 उधर, लेकिन ट्रू रिप्स की बात करें जिससे आप एप्स बनाते हो तो ये होते हैं 7 पेयर्स होते हैं, कितने होते हैं 7 पेयर्स, तो कुल ये 14, क्या देखिए ट्रू रिप्स की बात करें ये होते हैं 14, इसको आप लोग याद रखें, लेकिन असल में होते हैं बेसिकली 24, लेकिन ट्रू रिप्स की बात करें ये बोलते हैं 14 को, है ना, 14 मतलब 7 का पेयर होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज टोकोफेराल, इनको टोकोफेराल ही बोलते हैं, टोकोट्रेराल ही बोलते हैं, और ये कौन सा, ये है विटामिन ई, और इसी कमी से क्या होता है, विटामिन ई कमी से हो जाती है आपकी बॉडी में तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्या यहां से आपको इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है ना, प्रजनन क्षमता में कमी हो सकती है, ये है आपका विटामिन ई। अगला है फटिक की बात करें, आपकी बॉडी में फटिक होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक्सरसाइज करते हो तो कौन सा एसिड जनरेट हो जाता है, तो उससे आपकी बॉडी में फटिक, मतलब आपको थकान सी लगती है, कमजोरी लगती है, तो याद रखिए ये है आपका एसिटिक एसिड, दैट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड, तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए कहते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी सी पॉज लेना चाहिए या आपको बीच में हल्का पानी पीते रहना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे पूछा गया कौन से एंशियंट फिजिशियन हैं जिनको फादर ऑफ सर्जरी बोलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शायद हमने कल इस क्वेश्चन को किया था, और ये है सुश्रुत, कौन है, ये है सुश्रुत, सुश्रुत की बात करें इनको फादर ऑफ सर्जरी बोलते हैं, इनको आप याद रखेंगे। मेनिनजाइटिस की बात करें, मेनिनजाइटिस की बात करें यहाँ पर देखा जाए तो ये कवरिंग दैट लाई ओवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉज्ड बाय, तो मेनिनजाइटिस जो है किसके कारण होता है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेनिनजाइटिस जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, मेनिनजाइटिस नाम की जो बीमारी होती है ये किससे होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है, इसको आप लोग याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रात पेड़ के नीचे सोना उचित क्यों नहीं है, ओके, रात पेड़ के नीचे सोने के लिए क्यों सजेस्ट नहीं करते, देखिए रात पेड़ के नीचे सोने के लिए सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि यहां पर पेड़ जो है रात में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और यदि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे तो आपको ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, इसलिए कहते हैं रात पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ हार्ट बीट? हार्ट बीट जो एवरेज कितनी होती है पर मिनट, याद रखिए एक मिनट में हार्ट बीट होती है हमारी, एवरेज की बात करें तो ये होती है 72। कितना होता है? ये होता है 72। और याद रखिएगा यहाँ पे लब डब का साउंड होता है। क्या होता है? लब डब, लब डब, लब डब है ना, लब डब है ना, दैट्स कॉल्ड 72 टाइम आपका लब डब होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स? देखिए लबडब जो है जनरल साउंड होता है, जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड उनको पता है, मैं उनको नहीं समझा रहा हूँ बट जनरल लोगों को समझा रहा हूँ। लबडब जो है ये आमतौर पे साउंड होता है, लेकिन यदि लबडब जो है साउंड बदल जाए तो आमतौर पे आपकी हार्ट बीट जो है जब डॉक्टर सुनते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। तो ये आप याद रखें, जैसे आपकी गाड़ी जो है, जैसे गाड़ी जो है, गाड़ी के जो साइलेंसर की आवाज़ है, गाड़ी के साइलेंसर की आवाज़ से जो मैकेनिक है गाड़ी का उसको पता चल जाता है बेसिकली गाड़ी में क्या दिक्कत है, वैसे ही आपके हार्ट बीट को सुनकर डॉक्टर को पता चल जाता है बेसिकली थोड़ा सा कि आपकी बॉडी में दिक्कत है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फीमेल? फीमेल की बात करें, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? याद रखिए ये होता है फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर होता है? ये होता है फेलोपियन ट्यूब में। इसको आप लोग याद रखेंगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप? यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप की बात करें, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन है? याद रखिए ये है ए बी। ए बी मतलब किसी भी से ले सकता है, लेकिन देने की बात करें देने को सिर्फ ए बी को दे सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप की बात करें इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो आप लोग जानते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द रेडियस ऑफ ब्लड वेजल्स, यदि हमारी इफ द रेडियस ऑफ द ब्लड वेजल ऑफ पर्सन डिक्रीजेस, यदि ब्लड वेजल की रेडियस रिड्यूस हो जाती है तो ब्लड प्रेशर में क्या इंपैक्ट होता है? तो डिस्कस किया था हम लोगों ने, जैसे एज बढ़ती है तो वहां पर क्या होता है, रेडियस जो है कम हो जाती है, चूंकि यहां पर कोगुलेशन होता है, मतलब यहां पर क्लॉटिंग, मतलब एक प्रकार से यहां पर फैट एकुमुलेशन हो जाता है, और इसके चलते देखा है तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखें, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना। अंबिका जी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक हियर, कैसे आप यू? हियर रेट कितनी होती है? अच्छा हियर रेट कितनी होती है जरा बताइए, जरा मेडिकल बैकग्राउंड वाले। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच टिश्यू ऑफ प्लांट्स कंडक्ट फूड टू इट्स बॉडी? इनमें से कौन सा टिश्यू जो है प्लांट में जो खाना होता है संवहन करता है उसकी पूरी पार्ट में? देखिए ये क्या होता है, फ्लोएम। फ्लोएम की बात करें ये फूड को संवहन करता है, जाइलम की बात करें जल का संवहन करता है। तो दोनों चीज आप लोग याद रखेंगे, बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। विच द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाई राइबोसोम? जो सेल होती है उसमें राइबोसोम, इसमें से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कौन सा प्ले करता है? याद रखिए राइबोसोम बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसका रोल होता है बेसिकली सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, प्रोटीन के संश्लेषण में इसका रोल होता है, इसका राइबोसोम का। इसको आप लोग याद रखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एब्सोल्यूट कौन है? दर्द हो रहा है? अच्छा सर दर्द हो रहा है, ओके सिर दर्द हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा पानी ज्यादा पिए, दैट इज हेल्पफुल, और थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, हो सके तो अपने थोड़ा सा, दैट्स हेल्पफुल एक्चुअली, और थोड़ा रिलैक्स करें, रेस्ट करें, थोड़ा सा योगा प्राणायाम कर लें, है ना। एनीवे अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन विच वन द फॉलोइंग कैटेगरीज नेपेंथस, नेपेंथस खासियाने की बात करें, एक एनियल पिचर प्लांट होता है, किस कैटेगरी में आप डाल सकते हैं? तो नेपेंथस, नेपेंथस आप लोग जानते हैं, दैट इज नेपेंथस, बहुत ही सुना होगा आप लोगों ने, इसे बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। तो नेपेंथस जो प्लांट होते हैं आपने देखा होगा, इंसेक्ट जब उसमें बैठते हैं तो उसको खा जाते हैं, तो ये होते हैं इंसेक्टिवोरस। तो ये है नेपेंथस खासियाना, इसको आप लोग याद रखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम ए डेड डोनर टू ए लिविंग पर्सन? आंखों में कौन सा पार्ट होता है जो एक डोनर से एक लिविंग पर्सन में ट्रांसप्लांट किया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जो हमारी आंखों का कॉर्निया बेसिकली ट्रांसप्लांट करते हैं, कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर यदि हम कभी आधार कार्ड के लिए स्कैन कराने आते हैं तो हमारी आयरिस स्कैन होती है, क्या होती है? आयरिस स्कैन होती है, इसको भी आप लोग याद रखें। लेकिन इमेज कहाँ बनता है? इमेज बनता है रेटिना में। एनीवे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ह्यूमन बॉडी की बात करें, नेल्स जो है किस चीज़ से बने होते हैं? देखिए आपके जो नाखून होते हैं ये केराटिन से बने होते हैं, केराटिन इज लाइक ए प्रोटीन, केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, लेकिन ये खाने लायक नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर कितना होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यह है 128 सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर, है ना, तो आप जानते ही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच चेंबर ऑफ ह्यूमन हार्ट पंप्स फुली ऑक्सीजन प्लेट? इनमें से कौन सा चेंबर जो है ह्यूमन हार्ट का ये कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसको aorta में मतलब ट्रांसफर करता है और फिर aorta से बॉडी में जाता है? तो याद रखिए कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है साफ सुथरा ब्लड, बिल्कुल अच्छा ब्लड। तो ये आप याद रखेंगे, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, तो कौन सा? ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको आप लोग याद रखें, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगला क्वेश्चन, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे वाला, ऊपर वाला जो है एट्रियम है,
ओके तो और इधर वाला राइट जो है, राइट वाले में थोड़ा सा इम्प्योर ब्लड रहता है, लेकिन ये है प्योर ब्लड, ठीक है। इसको आप याद देखें, जो बिल्कुल लाल रंग का है ना, और यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए होती है बाइकस्पिड वॉल। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोग, ये बाइकस्पिड वॉल है, ये छोटी सी आपको दिख रही होगी, दिस वन इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल। यहाँ भी बाइकस्पिड वॉल होती है ना, इसको ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं, इसको बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं ना, दोनों आप याद रखेंगे। एनी अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन ब्रिंग्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होता है? देखिए दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए ये होता है एल्वियोली में। कहाँ पर होता है? ये होता है एल्वियोली में, तो इसको भी आप लोग याद रखिए कहाँ पर होता है, एल्वियोली में, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ए थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट किसे बोलते हैं? वेल देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो प्लेटलेट्स होती हैं, आमतौर पर जब कभी आपको डेंगू होता है तो आपकी प्लेटलेट्स ड्रॉप कर जाती है, आपका 1.5 लाख प्लेटलेट्स होनी चाहिए आपकी बॉडी में, लेकिन ये ड्रॉप कर जाती है, तो इसे बोलते हैं बेसिकली थ्रोम्बोसाइट। और याद रखिए प्लेटलेट्स ड्रॉप करने के कारण आपकी बॉडी में कमजोरी आती है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू द फियर ऑफ क्रॉसिंग रोड्स, रोड क्रॉस करने में जो डर लगता है आपको उसे क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे देखा है तो बहुत सारे ऑप्शन लिखे हैं आपके सामने, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगने को बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए पानी से डर लगता है तो आमतौर पर कुत्ते काटने कारण, कुत्ता यदि पागल कुत्ता काट दे तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे, इसलिए कुत्ते से बचना चाहिए। हेमोफोबिया की बात करें तो हेमोफोबिया क्या होता है? देखिए हेमोफोबिया जो है ये ब्लड का डर होता है, ऐसे मान लीजिए कुछ लोग ब्लड देख लें और वो बेहोश हो जाए, दैट्स कॉल्ड हेमोफोबिया। यहाँ पे क्लास्ट्रोफोबिया देखा जाए तो क्लास्ट्रोफोबिया क्या होता है, इसमें आमतौर पे देखा है तो जैसे मान लीजिए क्राउडेड एरिया में आप जाते हो तो कुछ लोग यदि भीड़ भाड़ के एरिया में जाएं तो उनको बेसिकली दिक्कत होने लग जाती है, तो ये होता है क्लास्ट्रोफोबिया, और इसे बोलते हैं एग्रोफोबिया। रोड क्रॉस करने के डर को बोलते हैं एग्रोफोबिया, इसको आप लोग याद रखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फूड रैप्ड इन न्यूज़पेपर, यदि आपका जो खाना है न्यूज़पेपर में आप रैप कर रखे हो तो इससे कौन सा कंटेमिनेशन हो सकता है? याद रखिए ये है लेड कंटेमिनेशन, तो इसको भी आप लोग याद रखें, जो आपकी इंक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मेनी फेशियल मसल्स, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ तो कितनी फेशियल मसल्स काम कर रही है? याद रखिएगा ये फेशियल मसल्स जो है आपके हर जगह की है, मतलब फेस की तो काउंट करते हैं, साथ में आपकी गर्दन की भी काउंट करते हैं, साथ में माउथ ही काउंट करते हैं, तो कुल मिला के 70 फेशियल मसल्स काम कर रही होती है जब आप बोल रहे होते हैं, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बेसिक टेस्ट कैन ह्यूमन सेंस, ह्यूमन कितना टेस्ट सेंस कर सकता है? ये है 5 प्रकार के टेस्ट, इसको आप लोग याद रखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे है साल्टी, स्वीट, सोर, बिटर एंड उमामी, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सेंसरी फंक्शन डू द ईयर्स प्रोवाइड अदर देन हियरिंग, तो जो कान है आपके सुनने के अलावा और क्या करते हैं? याद रखिए सुनने के अलावा बैलेंस प्रोवाइड कराते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं? बैलेंस प्रोवाइड कराते हैं। एनीवे ओके यहाँ पे थोड़ी सी आई थिंक डार्क है थोड़ी सी, तो आपको आइडेंटिफाई करने में शायद आसानी होगी। एनिमल लाइफ की बात करें, एनिमल लाइफ की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो ये है जुलाजी, इसको आप लोग याद रखें, जुलाजी जो है एनिमल लाइफ की स्टडी है, बॉटनी जो है वो किसकी है? प्लांट लाइफ की स्टडी है ना। व्हाट इज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? वेल देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन देखा तो एक प्रकार का प्रोटीन है, इसको आप लोग याद रखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग, यदि पागल कुत्ता काट दे तो क्या हो सकता है? याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोफोबिया की समस्या होती है, तो पागल कुत्ते यदि काट दे तो हाइड्रोफोबिया की समस्या होती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स डू मशरूम्स बिलोंग, मशरूम किस प्रजाति से बिलोंग करेगा? याद रखिए मशरूम जो है इस काइंड ऑफ फंगी, क्या है? ये एक प्रकार का फंगी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यदि मान लीजिए सपोज करिए कि आप दूध जो है ये दही बनता है तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा? याद रखिएगा ये होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो एक प्रकार से क्या होगा? ये एक प्रकार से बैक्टीरिया होगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल्स, इनमें से कौन सा एनिमल है जहां पर लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं? मतलब देखा तो ये कौन सा, ये है केंचुआ, केंचुआ की बात करें अर्थवॉर्म जो है इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती, इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज रिमेंबर दिस वन, फिनोमेना ऑफ समर स्लिप, देखिए विंटर स्लिप जो आमतौर पर देखा जाए तो यहां पर जो आपके पोलर रीजन में जो भालू होते हैं वो एक एक महीने तक सोते रहते हैं, उसे बोलते हैं हाइबरनेशन, इसे बोलते हैं विंटर स्लिप, लेकिन समर में ऐसे हो जाए इसे बोलते हैं एस्टिवेशन, समर स्लिप को बोलते हैं एस्टिवेशन, इसको भी आप लोग याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिसंबर 2020 की बात करें, हमारे देश में कितनी रामसर साइट है? देखिए रामसर कन्वेंशन पहली बार होता है 1971 में, 1971 पहली बार रामसर कन्वेंशन होता है, और याद रखिए एज ऑफ नो हमारे भारत में 42 रामसर साइट हैं, सोकार नाम की जो लेक है हमारे भारत की 42वीं रामसर साइट है। मध्य देश की बात करें, मध्य देश में भोज वेटलैंड जो है ये हमारी इकलौती रामसर साइट है। आप लोग बता सकते हैं भोज वेटलैंड को रामसर साइट हमने कब बनाया है? एनी ऑफ यू वांट टू कमेंट दिस आउट, तो यहाँ पे लिखा हुआ सारा 42 रामसर साइट एज ऑफ नाउ है, तो यहाँ पे सारा एरिया बताया आपको। चिल्का लेक की बात करें, हमारे भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है, तो इसको आप याद रखते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर चिल्का लेक और केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान वाला, ये दोनों सबसे पहली रामसर साइट भारत में बनी थी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रामसर साइट है, 8 वेटलैंड्स है वहाँ पे। और रेणुका वेटलैंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वेटलैंड है, इसको भी आप लोग याद रखते हैं, केवल 20 हेक्टेयर में है। 2 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस, इंटरनेशनल वेटलैंड डे, इसको भी आप लोग याद रखेंगे।
अच्छा हो, दैट्स सब काइंड ऑफ यू विशाल जी. ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने. रिसेंटली डिक्लेयर्ड रामसर साइट लुनार लेक इज लोकेटेड इन द विच स्टेट? 2002. बहुत अच्छे कुलदीप जी, 2002 में देखा जाए. हाँ, 2002 में हमारा जो वेटलैंड है उसको रामसर साइट घोषित किया गया था. बहुत अच्छे. रामसर साइट लुनार लेक की बात करें, ये कहाँ पर है? तो हाल ही में इसको डिक्लेयर किया गया है. अदर की लुनार लेक कहाँ पे है, ये आपके बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा. इसको आप लोग देखें, लुनार लेक कहाँ पे, बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में है. ये आपकी लुनार लेक, और कहते हैं इसको लुनार लेक का जो फॉर्मेशन है ये बेसिकली हमारे धरती में बहुत साल पहले यहाँ पर बेसिकली उल्कापिंड गिर गए थे, बिकॉज ऑफ दैट थिंग इसका फॉर्मेशन हुआ था. तो भी आप याद रखें, दैट्स कॉल्ड लुनार लेक, है ना. अगला क्वेश्चन आपके सामने, रामसर साइट है एक सूर सरोवर लेक. सूर सरोवर लेक, इसको पहले कीथम लेक बोलते थे, दैट वाज कॉल्ड एज ए कीथम लेक. इसको भी अभी हाल ही में रामसर साइट बनाया गया. ये कहाँ पे है, याद रहे ये उत्तर प्रदेश में है. इसको कीथम लेक बोलते थे, अब इसका नाम कर दिया है सूर सरोवर लेक. तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे. अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ओके, यहाँ पे लिखा है कि ये कीथम लेक कहाँ पे, ये है आगरा में, यमुना में किनारे है. तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे. रामसर कन्वेंशन की बात करें, ये तो चलो ठीक है, 1971 में लाया गया. तो ये बेसिकली भारत वेटलैंड इज, ओके, यहाँ पे कब लाया गया, अडॉप्ट किया गया, तो 1971, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ये आप जानते हैं. लेकिन याद रखिए 1971 में लाया गया, लेकिन भारत में इसको अडॉप्ट किया गया 1 फरवरी 1982 में. इसको भी पता होना चाहिए, भारत ने इसको रेटिफाई किया 1 फरवरी 1982 को. तो भारत में रामसर कन्वेंशन जो है फोर्स में आता है 1 फरवरी 1982 को, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना. रामसर कन्वेंशन वेटलैंड केम इन टू फोर्स इन इंडिया, ये हुआ 1 फरवरी 1982 में. इसको आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकता है. 1 फरवरी 1982 को भारत ने इसको एडॉप्ट किया है. क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से बहुपक्षीय सम्मेलन में कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक है? ओके, इसे बोलते हैं पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. जो इंग्लिश में हमारे फ्रेंड्स से याद रखिएगा, इसे बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. हो सकता है इंग्लिश में भी लिख के आ जाए आपके एग्जाम में. तो याद रखिएगा, आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन कौन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए है. इसको आप लोग याद रखेंगे. अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड किसका रजिस्टर्ड है? याद रखिए, जैसे आपका रामसर कन्वेंशन है तो रामसर साइट जो है वेटलैंड्स के लिए है. और यहाँ पर जो वेटलैंड्स जो हमारे देखा जाए तो डैमेज्ड कंडीशन में है, जैसे केवलादेव की बात करें, इसको पहले मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में शामिल किया था. दो मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड एज ऑफ नाउ है. अब इसमें देखिए, तो खतरे में जो जलीय जीव हैं, मानव जनित गतिविधियों से जल के तहत खतरे में जो जलीय स्थान है, इनको हमने मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में शामिल किया है. इसको आप याद रखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड. याद रखिएगा, इसमें जो वेटलैंड्स हैं जो खतरे में हैं, उसको हमने मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड में शामिल किया है. और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से कंफ्यूज मत करिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अलग चीज है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन लेयर डिप्लीशन के लाया गया था, दैट्स डिफरेंट वन. एनी वे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले जो मजदूर हैं इनकी उम्र कम हो जाती है, और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स डिजीज बोलते हैं? ब्लैक लंग्स बीमारी इसलिए बोलते हैं, क्लोम गोलाण रुग्णता. तो जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कोयले की फैक्ट्रीज में, उनको क्लोम गोलाण रुग्णता की बीमारी होती है. इसको आप लोग याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है. ध्रुव तारा की बात करें, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो आमतौर पर पोलिस स्टार आपने देखा होगा बहुत कई बार. तो ये बेसिकली आपका जो उत्तर दिशा है इसको इंगेज करता है. तो इन केस आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पे कौन सी दिशा है. और याद रखिए, इधर होता है आपका ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ. तो यदि हम मैप की बात करें, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओके सॉरी फॉर दैट, मजोली किस प्रकार के द्वीप संबंधित है? याद रखिए, मजोली एक प्रकार से नदी द्वीप है. मजोली आइलैंड आपको याद होगा कहाँ पे, ब्रह्मपुत्रा में, असम में है. तो आप जानते हैं मजोली आइलैंड वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड, रिवराइन आइलैंड ऑफ इंडिया, नॉट इंडिया बल्कि वर्ल्ड आप कह सकते हैं. ऑलरी कल्चर जो है किस संबंधित है? देखिए, ऑलरी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलरी कल्चर में किस चीज़ की खेती करते हैं? याद रखिए, इसमें सब्जियों की खेती जो होती है इसको बोलते हैं ऑलरी कल्चर. क्या बोलते हैं? ऑलरी कल्चर, सब्जियों की खेती को. और याद रखिए, सब्जियां है, फल फूल है, इनके इनके लिए होता है हॉर्टिकल्चर. क्या होता है? इसको हॉर्टिकल्चर ही बोलते हैं सबको मिला दें तो. अगला क्वेश्चन है, और हॉर्टिकल्चर के लिए कौन सा रेवोल्यूशन था? हॉर्टिकल्चर के लिए कौन सा रेवोल्यूशन था? हॉर्टिकल्चर के लिए रेवोल्यूशन था आपका गोल्डन रेवोल्यूशन. कौन सा था? गोल्डन रेवोल्यूशन. और याद रखिए, गोल्डन फाइबर, गोल्डन मतलब सुनहरी क्रांति, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन यदि मैं कहने लग जाऊं तो ये होता है आपका किसके लिए? ये होता है आपका जूट की खेती के लिए. तो इसको भी आपको पता होना चाहिए, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन. अगला आपके सामने, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यह है 5 जून को. 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, इंटरनेशनल एनवायरमेंट डे. टांगड़ी पुब्बू किस राज्य का राजकीय पुष्प है? याद रखिएगा, साउथ इंडिया में जो आपने एक्ट्रेसेस को देखा हुआ पुब्बू लगाते हैं बिल्कुल अपने बालों में, याद रखिएगा ये बेसिकली देखा जाए तो ये तेलंगाना का एक राजकीय पुष्प है, टांगड़ी पुब्बू, ये आप याद रखेंगे. और हमारे मध्य से कौन सा है? ये है सफ़ेद लिली, तो आप जानते ही हैं. अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और याद रखिएगा, नाम है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार. वन्य जीव संरक्षण में अदम्य साहस दिया जाता है, यहाँ पे 1 लाख रुपए प्राइज अमाउंट है. लेकिन याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया है, याद रखिए कब लाया गया, इट वॉज ब्रॉट इन 1972, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपके, लेकिन लेकिन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब लाया गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वन संरक्षण अधिनियम लाया गया है आपका 1980 में, इसको भी हमें याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाँ जी बहुत अच्छे वंडरफुल, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। वेल देखिए राष्ट्रीय उद्यान कभी पूछ लेते हैं, ये कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा आपके जम्मू कश्मीर में, याद है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सम ताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ 2009 से स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छे वंडरफुल कुलदीप जी, वंडरफुल दैट्स ग्रेट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है समताप मंडल, ओके याद रखिए समताप मंडल में ओजोन लेयर की जो, ओजोन लेयर की जो लेयर मोटी है कितनी, इसको डॉप्सन इकाई से मेजर करते हैं, डॉप्सन यूनिट होती है इसको, आप लोग याद रखिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन लेयर को मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट में, 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक हैं चार्ल्स फबरी और हेनरी बिस्मोन ने खोज की, और इसके बाद डॉप्सन यूनिट को हमने इस्तेमाल किया, इसको आप लोग याद रखें। एनीवे अगला क्वेश्चन आपके सामने, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित है। याद रखिए बेसिकली यहाँ पर देखा सारे ही हैं, जीवाश्म ईंधन का जलना है, सीमेंट उद्योग है, मतलब दोनों ही बेसिकली आप कह सकते हो, इसमें दोनों से ही आपका बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। देखिए ग्रीन हाउस गैस की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, वर्ल्ड में 0.04% के आसपास इसका परसेंटेज है, लेकिन बात करें जलवाष्प, जलवाष्प भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है, इसे बोलते हैं वाटर वेपर, इसका जो परसेंटेज है लगभग 0.4% के पास है। तो यह देखिए विश्व में सबसे ग्रीन हाउस गैस जो है वो है वाटर वेपर, याद रखें कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा है वाटर वेपर, इसको आप लोग याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल की बात करें किसके सुरक्षित उपयोग स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में, कार्टाजेना प्रोटोकॉल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये कौन सा है, ये है आपका लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसे बोलते हैं ALMO, संशोधित संजीवित जीव, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है इसके लिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल, इसको आप लोग याद रखेंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा भी आप कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है हस्ताक्षर हुआ 2000 में और उसको अपने इंप्लीमेंट किया था 2003 में, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कार्टाजेना प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित करने के लक्षण क्या है। एनीवे इस क्वेश्चन में हल्का डिस्प्यूट है, लेकिन याद रखिएगा जैव विविधता हॉटस्पॉट में 1500 प्रजातियों के आसपास यहाँ पे ओरिजिनल होनी चाहिए, लेकिन 70% वहाँ प्रजातियाँ डैमेज हो गई हैं, तो उसको हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रखते हैं, और जो हमारा वेस्टर्न घाट है, हमारा जो पश्चिमी घाट है, इसको हमने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में रखा है, और हमारा जो ईस्टर्न हिमालय है, पूर्वी हिमालय, इसको भी हमने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में रखा है, एवली अंडमान निकोबार का भी कुछ क्षेत्र हमने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में रखा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे संबंधित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करो, ये ओजोन लेयर के लिए है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए बिल्कुल सही है। इसमें लिखा है 1979 का बोन सम्मेलन, देखिए बोन सम्मेलन की बात करें प्रवासी प्रजातियों के लिए है, ये भी बिल्कुल सही है। बैसल कन्वेंशन की बात करें ये ट्रांस बाउंड्री आंदोलन के लिए नहीं है, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। और रोटरडैम की बात करें ये खतरनाक रसायन और कीटनाशकों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित, ये बिल्कुल सही है, लेकिन बैसल कन्वेंशन यहाँ पे गलत है, इसको आप लोग याद रखेंगे। एनीवे अगला क्वेश्चन है शेर की पूछ वाला मकाक लैंड टेल्ड मकाक की बात करें ये कहाँ का है, याद रखिए ये नीलगिरी में है, कहाँ पे नीलगिरी में है, या पे याद रखिए नीलगिरी पहाड़ों में पाया जाता है लैंड टेल्ड मकाक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक कौन सा है, ये क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किया था, SO2, याद रखिए पोल्यूटेंट जो है इसका जैविक प्रदूषक जो है, इसे बोलते हैं बायो इंडिकेटर, तो इस किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं काई, काई जो है काई में बदलाव होने लगता है, काई कलर बदल जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज द इनिशिएटिव ऑफ, ये डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी जो है ये किसका इनिशिएटिव है, याद रखिए ये है इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशंस का, और याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, ये हमने 2015 से लेके 2030 तक निर्धारित किया है, ये हमारा टाइम फ्रेम है, और याद रखिएगा इस बीच हम सतत विकास लक्ष्य के गोल को पाएंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 गोल हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें, नो पावर्टी है, गरीबी हटाओ, जीरो हंगर, भुखमरी कम करो, ये सारी चीज़ें, इनइक्वालिटी कम करो, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, 17 गोल्स, इसको थोड़ी पढ़ के जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 से लेके 2030 तक का हमारा लक्ष्य है, याद रखिएगा इसमें कुल 17 गोल्स हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। और इसके पहले 2000 से लेके 2015 तक का जो गोल था उसे बोलते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, दैट इज कॉल्ड MDG। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारे भारत में कहाँ पे स्थित है, याद रखिए ये हमारे भारत में कहाँ पे है, नागपुर में, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। बस दो मिनट, जस्ट टू मिनट्स मोर। मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन का मुख्य रोल क्या होता है, याद रखिएगा जो मेन रोल है हमारी धरती में ये है वाटर साइकिल, तो याद रखिए वाटर साइकिल का रोल है, तो इससे क्या होता है कि वाटर साइकिल क्या होता है, बिकॉज फिर मानसून बनता है, फिर बारिश होती है, फिर उस वो फिर समुद्रों में जाता है, फिर वहाँ से बारिश, सोलर रेडिएशन, तो सोलर रेडिएशन का जो मेन रोल कह सकते हैं दैट्स कॉल्ड वाटर साइकिल।
फर्स्ट अर्थ समिट, पहली अर्थ समिट कहाँ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए, रियो द जेनेरियो, इसे बोलते हैं अर्थ समिट। तो रियो द जेनेरियो जो है पहला अर्थ समिट था, इसको आप लोग याद रखें, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एयर क्या है? एयर एक प्रकार से देखा है तो ये प्रकार का मिक्सचर है, याद रखिए एयर यौगिक नहीं है, एयर एक प्रकार का मिक्सचर है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑर्गन सारी गैसें पाई जाती हैं। विच द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन एयर, इनमें से कौन सी नोबल गैस जो है, अकरी गैस जो है, ये बेसिकली एयर में नहीं पाई जाती, याद रखिएगा, ये है आपका रेडान। रेडान की बात करिए, जो अकरी गैस है ये आपके गैस में नहीं पाई जाती है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो मौसम विज्ञान की बात कर रहे हैं, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसे बोलते हैं WMO, दुनिया का सबसे बड़ा प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है WMO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये है आपका जिनेवा में, कहाँ पे है? जिनेवा में। बताते हैं आप लोग जिनेवा कौन सी कंट्री में है, प्लीज डू कमेंट बिलो। हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंटरनेशनल की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? याद रखिए ये है एम्स्टर्डम में, कहाँ पे? ये है एम्स्टर्डम में। और ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन, दिस गोना बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ डे, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे? याद रखिए कास, कास मतलब ये कहाँ पे? ये आपका असम में, ये आपके असम में काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये असम में, इसको आप लोग याद रखें, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेंगे, गिर नेशनल पार्क की बात करें, यहाँ से हम एशियाई शेर लेके आ रहे हैं, कहाँ पे? कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। कूनो पालपुर नेशनल पार्क कहाँ पे? ये हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर में है, कहाँ पे है? ये हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर में है कूनो पालपुर नेशनल पार्क, यहाँ पे एशियाई शेर लेके आ रहे हैं, ये कहाँ पे है? गिर नेशनल पार्क, ये है आपके गुजरात में, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन राजस्थान, में से कौन सा राजस्थान में नहीं है? अब भरतपुर की बात करें, भरतपुर राजस्थान में है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप जानते हो राजस्थान में है, रणथंभौर राजस्थान में है, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करो ये बेसिकली राजस्थान में नहीं है, ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपके उत्तराखंड में, तो इसको भी आप लोग याद रखें। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये आपके उत्तराखंड में है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। बहुत अच्छे, हाँ जी बहुत अच्छे, हाँ जी, काजीरंगा एक सींग वाले घड़े के लिए फेमस है ना, 100 राइनो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कॉन्स्टिट्यूट कब हुई? इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कब बनी? याद रखिए ये बना 1952 में, तो ये है आपका वन्य जीव बोर्ड गठन हुआ 1952 में, लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लेके आया आप 1972 में, इसको आप लोग याद रखें, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गेट वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मध्य प्रदेश, रेयर गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए, इनमें से हमारे मध्य प्रदेश में यहाँ पर रेयर गैंगेटिक डॉल्फिन है, क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, इन सबको हमने यहाँ पे संरक्षित किया है, तो ये कौन सा है? याद रखिए ये अपना नेशनल चंबल सेंचुरी, अपना नेशनल चंबल सेंचुरी जो है इसमें हमने गैंगेटिक डॉल्फिन, क्रोकोडाइल, इन सबको संरक्षित किया है। और याद रखिए गैंगेटिक डॉल्फिन को हमने यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करें, इसे भारत का जलीय जीव बोलते हैं, इसे बोलते हैं नेशनल एक्वाटिक एनिमल, क्या है? गैंगेटिक ड्रिफल डॉल्फिन। याद रखिए डॉल्फिन में देखा है तो यहाँ पे आंखें नहीं होती, ये अपने अल्ट्रासाउंड के द्वारा जनरेट करती, पता लगाती है कि सामने ऑब्जेक्ट कौन सा है। और याद रखिए हमारे मध्य देश के जलीय जीव की बात करें, मध्य प्रदेश का रांची जलीय जीव है, वो है कौन सा? टॉर प्रजाति का, क्या है बताइए जरा कमेंट करके, प्लीज कमेंट आउट, महासीर, बहुत अच्छे, वंडरफुल। तो ये रहा डिस्कशन आज का, दिस अबाउट दैट डिस्कशन को भी वाइंड अप करेंगे, टाइम बढ़ चला है, तो क्यों ना क्लास को वाइंड अप किया जाए। मुलाकात करेंगे आप लोगों से शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे होगा फुल लेंथ टेस्ट, वहां पे आप सभी लोग आइएगा अपने यार दोस्तों के साथ में, और साथ में सुबह 7 बजे की जो क्लास होती है कल होगी यूनिट 8 पे, तो कल करेंगे यूनिट 8, उसमें होगा करंट अफेयर्स, बहुत दिनों से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है, तो कल करेंगे यूनिट 8, और शाम को 7 बजे होगा फुल लेंथ टेस्ट। और इसके अलावा राम सुनी MPPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें, यहां पर क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि रिवीजन को कंटिन्यूस करते रहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फोकस करिए रिवीजन पे, जो चीजें समझ नहीं आ रही उसको छोड़ दीजिए, जो चीज समझ में आ रही है उसको ले लीजिए, दैट सिंपल थिंग। तो इस तरह से आप लोग पढ़ाई करना है, टेंशन नहीं लेना है, हर वक्त पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है, लेकिन सेहत का आपने जरूर ख्याल रखना है। चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों शाम को 7 बजे FLT के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड विच ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, ओके देन बाय, टेक केयर, थैंक सो मच, थैंक यू, थैंक सो मच। हाँ जी, दैट्स मोर देन अफ एग्जैक्टली। वर्ल्ड मैप डेफिनेटली, वी विल ब्रिंग द वर्ल्ड मैप एज वेल, पक्का श्योर।